हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफ कुकिंग बाय रजनी। आज हम एक और ढाबा स्टाइल रेसिपी लेकर आए हैं जो है काजू मसाला। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी डिश है। हम यहाँ पे 6 से 7 लोगों के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, पैन में 1 टेबल स्पून घी या बटर ऐड करूँगी। ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे काजू। यहाँ मैंने 1 कटोरी काजू लिया हुआ है। काजू को डालने के बाद इसे हम सेलो फ्राई करेंगे। जैसे जैसे हमारे काजू अच्छे पकते जाएंगे तो इनका कलर गोल्डन ब्राउन होते जाएगा। आप देख सकते हैं ब्राउन हो चुका है, तो हम अब इसमें अलग निकाल लेंगे। इस टाइप से हमारे सभी हो चुके हैं, हम इन्हें अलग निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद इसमें हम डालेंगे खड़ा गरम मसाला। तो यहाँ मैंने दालचीनी, कड़ी लीव्स और इलायची, लौंग ये सब लिया हुआ है। अब इसमें सभी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ 3 से 4 लाल खड़ी मिर्ची ऐड की है। अब इसमें हम डालेंगे जीरा। यहाँ मैंने 1 चम्मच जीरा ऐड किया है। साथ ही मैं हरी मिर्ची ऐड करूँगी। 2 हरी मिर्ची को मैंने कट कर लिया है। इसे भी हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। इन चीज़ों से जो टेस्ट रहता है वो बहुत ही बढ़ जाता है। अब हम डालेंगे अदरक लहसुन। यहाँ मैंने खड़ा अदरक लहसुन लिया है। आप चाहो तो पेस्ट भी ले सकते हो। अब मैं यहाँ डालूँगी 2 बड़े कटे हुए प्याज। इन सबको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। जैसे जैसे ये फ्राई होते जाएंगे इनकी एक एक लेयर अलग होती जाएगी। आप देख सकते हो धीरे धीरे ये ब्राउन होते जा रहे हैं। इस तरह से हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये एक साइड से जले नहीं। इस तरह हम इसे अच्छे से चलाएंगे। आप देख सकते हैं इनका कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है, बदल चुका है। काजू भी ऐड करेंगे ताकि हमारी कढ़ी जो है वो थोड़ी गाढ़ी बने। जैसे ही हमारे प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें हम 1 टमाटर डालेंगे कटा हुआ। इसे भी हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे और फिर हम गैस को ऑफ करके इन ग्रेवी इंग्रेडिएंट्स को हम ग्राइंड करेंगे। आप ग्राइंड करने से पहले इन लीव्स को हटा लें, इन कड़ी पत्तों को हटा लें, क्योंकि ये बारीक अच्छे से पिसाते नहीं हैं, ग्राइंड नहीं होते। तो इस तरह मैंने इन सभी को हटा लिया है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो अब मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब हम मेन जो हमारी कड़ी है वो बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच घी लिया है। आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हैं। और साथ ही मैंने लिया है 1 चम्मच तेल। अब सबसे पहले मैं यहाँ लाल मिर्ची डालूंगी। यहाँ मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली है लाल मिर्ची। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी और साथ ही हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसे ही हमारी मिर्ची अच्छे से पक जाएगी तो इसमें हम डालेंगे मसाला। अब इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स करेंगे मिर्ची के साथ और साथ ही हम लास्ट में डालेंगे वाटर। इसे हम अच्छे से पकाएंगे। आप जितना इसे पकाओगे इसका टेस्ट उतना ही बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसे आप लो फ्लेम पर पकाइए ताकि इसके जो मसाले हैं उनका कलर उभर के आए। हमारा मसाला अच्छे से हो चुका था तो यहाँ मैंने
काजू और साथ ही डाली है मलाई। अब इसमें डालूंगी नमक। अब इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह हम सब्जी को अच्छे से मिक्स करेंगे। काजू जो हमने सेलो फ्राई किए थे उन्हें भी डाल दीजिए और उसे भी 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लीजिए। जैसे ही हमारी कढ़ी होने लगेगी उसमें हम धनिया पत्ती डाल देंगे। इस तरह हमने डाल दिया है और इसे भी हम 2 से 3 मिनट पका लेंगे ताकि जो धनिया पत्ती है वो कच्ची ना रहे। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप गरम गरम सर्व कीजिए पराठों के साथ, नान के साथ, पूरी के साथ या रोटी के साथ। इसे आप खाइए और बहुत ही अच्छा वाला लुफ्त उठाइए। इस तरह हम सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी कढ़ी जो है कितनी गाढ़ी बनी है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।